शिव जी। बिस्वसरवा को लिया बुलाए रावण जिसका बेटा लगता, केकस जिसकी पत्नी कहाए बिस्वसरवा के संग केकसी। स्वर्ण महल में गई समाए पूजा का जब हुआ समापन, रावण स्वर विधिनाथ की गाथा सुनो रे भक्तो ध्यान लगाए। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, शिव में सारा जग समाए। सुमिरन करता जो भी शिव का, मनोकामना पूर्ण होई जाए। देवों के देव शिव जी कैलासी, ज्योतिर्लोकी नाथ कहाए। जिनकी ललाट पे चंदा सोहे, नागराज गले में लपटाए। भूत प्रेत सब दूते हैं जिनके, भांग धतूरा मन को भाए। बसहा बैल की जिनकी सवारी, रह कुटिया में गुहनि रमाए। गौरा संग गणेश भी रहते, विघ्न विनाशक जो कहलाए। कथा सुनाऊं बैजनाथ की, शिव शंभू से बोली गौरा ये क्या स्वांग लिए हो रचाए। तीनों लोक के दाता होकर तप सीता लिया भेष बनाए। सुन के उलहना तब गौरा का, आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी कुटिया के भाग। आज जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हर जगह जहां पे भी देखे आप राम आएंगे ये गीत पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं स्वाति मिश्रा जी को। मैम क्या नाम है आपका? मेरा कुसुमलता। कहां के? कुसुमलता सिंगर, मैं जौनपुर से हूँ। तो और जैसे कि जो गायिका हैं उनके के लिए क्या संदेश लाइनें देना चाहेंगी? किस तरह से संघर्ष बड़ी चुनौतियों का सामना भी करती हैं? मैं जी तो, मेरे लिए भी स्टार्टिंग में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है कि मैं जिस घर से हूँ, मैं बहुत गरीब फैमिली से थी स्टार्टिंग में, और आज जो हूँ माता रानी के आशीर्वाद से हमारे पिताजी हमेशा मेरा सपोर्ट किए हैं। मैं जिस गांव से हूँ, मैं जिस क्षेत्र से हूँ, वहाँ पे किसी को ये सिंगिंग वगैरह ये सब पसंद नहीं था, तो मेरे पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। सभी को पीछे छोड़ते हुए वो मुझे ई टीवी चैनल, उत्तर प्रदेश फोक जलवा, लखनऊ, सुर संग्राम, मुंबई, जहाँ भी मुझे जाना होता था पापा मेरे हमेशा सपोर्ट किए हैं मेरा। कहीं ना कहीं पापा को आप किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? पापा वैसे माता पिता का तो भाई धन्यवाद कोई बच्चा नहीं कर सकता है, बट मैं हमेशा उनको भगवान की तरह मैं उनका पूजा अगर करूं तो वो भी कम है। और मैं अपने ससुराल के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगी कि शादी से पहले तो मायके में मेरा फुल सपोर्ट रहा ही है, और शादी के बाद से मेरा ये परिवार जो ससुराल है, तो ये मुझे कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरा ससुराल है। मुझे सभी से, मेरे ससुर जी जो हैं उनसे पिता का प्यार मिला है, और मेरी सासू माँ जो है उनसे माँ का प्यार मिला। ये पूरा परिवार मुझे मतलब कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं अलग, मैं ससुराल में हूँ। कहीं ना कहीं होता है कि शादी के बाद कला को दबा दिया जाता है, लड़कियां बंधन में बंधी रहती हैं जी, लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा खुशी मिली, मैं और ज्यादा। आप जौनपुर की लोक गायिका हैं, कुसुम दत्ता जी हैं। जी दत्ता जी, ये बताइए आप 22 जनवरी को जो है राम मंदिर में अयोध्या प्रभु श्री राम का आगमन है जी, तो आप गायिका हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को, किस तरह से आप गीतों के माध्यम से देना चाहती हैं विचार? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी के आने का खुशी पूरे भारतवर्ष में हमारे बहुत जोरों शोरों से है, और सभी के दिल में ये खुशी है। सभी लोग अपने अपने कला के प्रति अपने अपने तरीके से, सभी लोग भगवान को आने की खुशी में कोई गीत गाकर,
कोई अपने तरीके से प्रोग्राम और रखकर घर पे हर तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं, तो मैं राम जी को मैं एक गीत गुनगुना के गा के उनको मैं मनाना चाहूंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। तो आप जिस तरह से बिहार की बिटिया ने इस तरह से सोशल मीडिया पे इस गाने पे धमाल मचा दिया, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये संदेश है, उनके लिए क्या संदेश देना